मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। प्रेरणा से भर देने वाली इन लाइनों को गुजरात के गणेश बरैया ने ना सिर्फ सच साबित किया है, बल्कि महज 3 फीट के कद वाले गणेश बरैया ने MBBS की पढ़ाई पूरी कर भावनगर मेडिकल कॉलेज के गलियारों में इंटर्नशिप भी शुरू कर दी है। कैसा रहा गणेश का सफर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जब मैंने 12th साइंस का पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से, और MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और MBBS में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो MCA कमेटी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवाची सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर अर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे दो और कैंडिडेट शामिल हुए। दूसरे दो कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए, एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया जो राजकोट से थी। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए पर उस समय 2018 में MBBS के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में MBBS में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई। अभी MBBS पूरा हो गया आपका और अभी क्या कर रहे हो, पेशेंट आपको कैसे, पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, आपको पेशेंट कैसे देख रहे हैं? अभी मैंने MBBS कंप्लीट करके हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में एज अ इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैं पेशेंट को देखने जाता हूँ तो जब मैं पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली हमारा व्यवहार रहता है तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं।